नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार सचिवालय केस अपडेट, रद्द होगा PT एग्जाम, ऑफिशियल ऑर्डर जारी। जानिए ऑफिशियल अपडेट क्या निकल के आई है। तो दोस्तों आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई था, कोर्ट का क्या आदेश निकल के आई है, क्या बिहार सचिवालय के तीनों शिफ्ट का जो रिजल्ट जारी किया गया PT का रद्द करके नए सिरे से एग्जाम लिया जाएगा, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है विद प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और प्रूफ के साथ सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। केस कब फाइल किया गया देख लीजिए, 17 अप्रैल 2023 को केस फाइल किया गया था। जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द किया गया तो स्टूडेंट द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था जो दोनों शिफ्ट पर एग्ज़ाम रद्द किया जाए, लेकिन विभाग ने सिर्फ एक ही शिफ्ट के एग्ज़ाम को रद्द किया और फिर से 5 मार्च को एग्ज़ाम लिया था। तो दोस्तों देख लीजिए स्टूडेंट द्वारा केस फाइल किया गया था जो कि 17 अप्रैल को ही केस फाइल किया गया, जो कि स्टूडेंट की तरफ से देख लीजिए वकील प्रिया कुमारी यस केस को देख रही है, जो कि आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई था और सुनवाई में क्या अपडेट निकल के आई है, अगला डेट कब दिया गया है, इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर केस का नंबर देख लीजिए, CWJC नंबर 6034/2023। नेक्स्ट डेट कब दिया गया है चलिए उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों अगली सुनवाई 28 जुलाई को दिया गया है और आज के सुनवाई में क्या क्या निकल के आया है सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों आज के सुनवाई में यही निकल के आया, पटना हाईकोर्ट ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की याचिका पर सुनवाई किया है। प्रिया कुमारी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने आर्थिक अपराध इकाई को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। दोस्तों तीनों शिफ्ट के एग्जाम रद्द हो सकती है और फिर से नए सिरे से एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो मेहनत किया है, स्टूडेंट लगातार धरना प्रदर्शन किया है, तो इसका देख लीजिए पटना हाईकोर्ट के द्वारा सही निर्णय लिया गया है और विभाग भी बहुत तानाशाही करके रिजल्ट भी जारी किया था। PT का रिजल्ट भी देखिए थे, पूरा तानाशाही के साथ जारी किया था, इसीलिए फिर से नए सिरे से अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं बना था वह सभी स्टूडेंट के लिए पटना हाईकोर्ट ने सही सोचा है और नए सिरे से एग्ज़ाम लिया जाएगा ताकि सभी स्टूडेंट को मौका फिर से मिलेगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने स्टूडेंट के हक में सही फैसला सुना है। हो सकता है 28 जुलाई को सुनवाई में आ सकता है जो तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द किया जाता है और नए सिरे से विभाग फिर से एग्ज़ाम लेगी। तो दोस्तों देख लीजिए हलफनामा दायर किया गया है और निर्देश दिया है, इसको देखने के लिए बिहार सरकार से देख लीजिए हलफनामा मांगा गया है। अब बिहार सरकार देख लीजिए क्या कर पाती है, तो 28 जुलाई को पता चलेगा। तब तक अभी जो अपडेट निकल के आई है आपके बीच हम रखे हैं, आई होप कि इस वीडियो में जो बताना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।